हेलो मेरे यारो, टेक्नोलॉजी से भरे इस नए फ्रेश वीडियो में आपका वेलकम। दिस वीडियो इज मेड फॉर सैमसंग गैलेक्सी P1 जो कि एंड्रॉयड वर्जन 13 को सपोर्ट करता है। 5G स्मार्टफोन तो रहने वाला ही है। बात करें इसके डिस्प्ले की तो इसमें आपको 6.7 इंचेस की सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि बहुत बढ़िया डिस्प्ले रहने वाली है। साथ में आपको 120 हर्ज रिफ्रेश रेट के ऑप्शन के साथ आएगी जो कि मोबाइल को बिल्कुल भी लैग होने नहीं देगा। स्क्रीन पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा जो कि मोबाइल को कभी टूटने भी नहीं देगा। और साथ में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर पर तो देखने को मिलेगा जो कि ऑप्टिकल टाइप रहने वाला और इस बार क्विक रिस्पॉन्स करेगा जो कि सिक्योरिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 की एपिक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी जो कि गेमर्स के लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन बनाती है क्योंकि इसमें आपको पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे हाई लेवल्स गेम बहुत ही ईजिली रन कर पाएंगे बिना किसी लेग के। रैम की बात करें तो इसमें आपको 2 वेरियंट अवेलेबल होते हैं, 8 GB रैम और 10 GB रैम। साथ में 256 GB का इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिलेगा। इंटरनल स्टोरेज आप 512 GB तक बढ़ा भी सकते हैं एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड के थ्रू। इसमें आपको 5500 mAh की लॉन्ग लास्टिंग पावरफुल बैटरी बैकअप सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि 33 W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। USB पोर्ट टाइप सी को सपोर्ट करेगा। मोबाइल में आपको डॉल्बी स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, माइक्रोफोन, ग्रिल और ऑडियो जैक का ऑप्शन तो रहने वाला ही है। इंटरनल साइड में आपको ब्लूटूथ 5.3, वाईफाई 6, NFC और अदर कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। ये मोबाइल फुल ही IP67 सर्टिफाइड रहने वाला है जो कि इसको डस्ट एंड वाटरप्रूफ बनाता है। बात करें इसके कैमरा सेटअप की तो उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा ऐसी टेक्नोलॉजी से भरे अपडेट्स देखते रहने के लिए। बात करें इसके कैमरा सेटअप की तो इसमें आपको 108 MP का ट्रिपल रियल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि 4K वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है और 3x ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करेगा। सेल्फी कैमरा यानी फ्रंट कैमरा की बात करें तो वो 32 MP का सिंगल पंच और सेल्फी कैमरा होने वाला है जो कि पोर्ट्रेट मोड को भी रिकॉर्ड कर पाएगा और 4K वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है। इसके प्राइजिंग की बात करें तो अगर इसके स्पेक्स यही रहेंगे तो लगभग इसकी प्राइस 15 से 20 हज़ार तक हो सकती है। लॉन्च डेट इसकी कंफर्म नहीं है क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो तो इसको इतना ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, कहीं और ले लीजिएगा। सो मेरे यारो, यहाँ पे होता है अपना वीडियो ओवर। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़े भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और अच्छा नहीं लगा तो कमेंट में बताओ क्या प्रॉब्लम चल रही है। और ज़्यादा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने चेहरे पर लाओ स्माइल और मारते रहो स्टाइल।